अगेन वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, और ये हाई लेवल का एनालिसिस होगा। जिनको सारे बेसिक्स पता हैं, क्लियर हैं ऑप्शन चेन के बारे में, वहीं लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। जिनको अपने बेसिक्स ही अभी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, व्हाट इज आईपी, व्हाट इज वेगा, व्हाट इज डेल्टा, ये चीजें ही नहीं पता है, तो उन लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उन लोगों को मेरी सजेशन होगी कि अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद यहां पे आप लोगों को ऑप्शन चेन बेसिक की दो वीडियोस हैं, उसमें से कोई भी एक वीडियो देख लो तो आपको समझ आ जाएगा फिलहाल, ठीक है। तो तकरीबन जो छोटी होगी वो वाली आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा बेसिक ऑप्शन चेन के, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहां पे प्लेलिस्ट के अंदर नहीं पता चलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं समझ आया क्या डॉट इन का, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस पेज पे आ जाइए और यहां पे भी ये दोनों वीडियोस मैंने लगा दी हैं, प्लस आपको यहां पे डेली बेसिस पे जो डेटा होता है मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट का वो मिल जाएगा। तो इस डेटा को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो अभी है आप देख रहे हैं वो पता चल जाता है। तो पहले आप कंप्लीट अब वीडियो को देख लीजिए, बेसिक वाले पहले बेसिक वीडियोस देखकर आइए और फिर इस वीडियो को दोबारा से देख लेगा, सेव करके रख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, वॉच लेटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन चेन काम कैसे करती है ये तो आपको पता है। अब यहां पे ऑप्शन चेन के थ्रू एक स्टॉक अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है, या फिर स्टॉक जो है एक रिवर्सल नीचे से ऊपर का देने वाला है या फिर ऊपर का नीचे देने वाला है, ये चीजें कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं ऑप्शन चेन के बेसिक पे, ये चार टॉपिक कवर होंगे। फिर से बता दूं, स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा, स्टॉक नीचे से ऊपर जाने वाला है, ऊपर से नीचे जाने वाला है, मतलब रिवर्सल आने वाला है, ये चीजें हम कैसे पता लगा सकते हैं ऑप्शन चेन की मदद से, ये टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पे, आपको पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। स्ट्राइक प्राइस यहां होती है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल बाय कर रहे हैं। तो हम यहां पे डायरेक्टली आते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे, यहां पे, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। याद रखिएगा, समझ लीजिए, अपने पास पेन या कॉपी जो भी आपके पास है उसको लेकर रखिए, आपको समझ तभी आएगा। एक चीज मैं बता दूं कि जो ऑप्शन चेन के रूल होते हैं, ऑप्शन चेन के जो रूल होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन इसका एनालिसिस बेकार होता है, कोई काम का नहीं होता, और जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक जो होता है एक्सपायरी का, वो एनालिसिस भी ऑप्शन चेन का बेकार होता है, ठीक है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ऑप्शन चेन में, आप बोले मुझे लास्ट डे मतलब आज एक्सपायरी है और आज के दिन एनालिसिस करना है, तो वो जो रूल है, वो जो रेगुलेशंस हैं, वो काम नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह स्टॉक्स के अंदर अगर आप ऑप्शन चेन खेलना चाहते हैं तो लास्ट डे वीक जो होता है उसमें आपका एनालिसिस बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। उसमें आप एक काम कर सकते हो, जो भी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी हो, जैसे कि देखिए अभी 31 दिसंबर को एक्सपायरी है, तो अभी मंडे से लास्ट वीक आ जाएगा, तो दोस्तों ये जो डेटा होगा ये इतना काम नहीं आएगा, इतना मतलब आपके लिए काम का नहीं होगा। इसके बजाय अगर आप 28 जनवरी का डेटा देखेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा जो है वो रहता है, ठीक है। तो लास्ट वीक में कभी भी ऑप्शंस को बाय नहीं करना होता है। दूसरी चीज, ऑप्शंस के अंदर अगर किसी को पोजीशन बनानी है बाइंग की, तो तकरीबन कोशिश करें फर्स्ट वीक में पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो सेकंड और थर्ड वीक तक अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, फोर्थ वीक का बिल्कुल भी वेट ना करें। या फिर आप फर्स्ट वीक में स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं और सेकंड वीक में पोजीशन बनाइए और थर्ड वीक तक तकरीबन क्लोज कर दीजिए, फोर्थ वीक में आपको पोजीशन नहीं रखनी है, नहीं आगे लेके जानी है। और दूसरी बात, कोशिश करें कि अगर आप मतलब कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो कोशिश करें एट द मनी 10 से 15% का जो मतलब दूर हो कॉल स्ट्राइक प्राइस, वहीं पे बाय करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। ज्यादा दूर की ले लेंगे तो बड़े हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है कि उसमें पैसा बनेगा, क्योंकि उसमें जो होता है आपका डेल्टा होता है, वेगा होता है, तो अगर आपको इनके बिना काम करना है तो कोशिश करें स्टॉक में 10% 15% की दूरी तक की ही कॉल या पुट आप खरीदें, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहता है।
बट इसके साथ भी आप लोगों को प्राइस एक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टॉक आप सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे मतलब सिर्फ बोलें कि मेरे को जो है स्टॉक में एक एंट्री मिल जाएगी तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वेट कीजिए अभी हम सीखेंगे उस चीज को। आपको ये दिखा कि स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है और ऑप्शन चेन आपको बता रही है स्टॉक रिवर्स हो सकता है, ठीक है, आपको ये चीज दिख गई। तो दोस्तों इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप जो है चार्ट्स के ऊपर भी उस स्टॉक का प्राइस देखेंगे कि क्या वो वाकई में नीचे आ रहा था या नहीं आ रहा था, और जब आपकी ऑप्शन चेन ने बताया कि ये ऊपर जाने वाला है तो क्या यहां पे वाकई में कोई ब्रेकआउट है इस लेवल पे या नहीं। तो आपको चार्ट्स में भी देख लेना है कि हाँ यहां पर ब्रेकआउट आ जाता है तो इसका मतलब ऑप्शन चेन सही बता रही है, यहां से स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तभी आपको एंट्री लेनी है। सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे आपको काम नहीं कर लेना है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन करना बहुत जरूरी है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, आपको बिल्कुल सही दिशा जो है वो बताता जरूर है, लेकिन आपको इसके साथ प्राइस एक्शन जरूर करना है, क्योंकि ये ना हो आप एंट्री तो ले लें लेकिन ये स्टॉक उसी जगह पे ट्रेड करता रहे काफी टाइम तक और आपकी एक्सपायरी जो है वो खत्म हो जाए और आपका पैसा जीरो हो जाए। तो ये चीज थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की कि हमें यह कैसे पता लगेगा कि एक स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो क्या वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज का हम कैसे पता लगा सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में है तो कैसे वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर एक स्टॉक, यह है कॉल साइड का, अगर एक स्टॉक अपसाइड जा रहा है और आप यहां पे ये देख रहे हैं कि जो ऑप्शन चेन की इन द मनी वाली कॉल है या फिर एट द मनी वाली कॉल है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर उसका ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का नेगेटिव होता जा रहा है। याद रखिएगा, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है और पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट प्लस होता जा रहा है ऊपर की साइड। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, यहां पे आप ये समझिए, ये स्टॉक है 834 रुपए का, ठीक है, तो यहां पे हम आ जाते हैं इस लेवल पे 820 पे, ये स्टॉक समझ लीजिए हो गया 840 का। अब आपको ये देखना है कि क्या ये वाकई में और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या ऑप्शन राइटर नीचे वाली पुट से, जैसे कि ये 820 वाली पुट है, क्या यहां से निकलकर कोई यहां पे शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर स्टॉक 840 पे आ गया तो आपको 820 की पुट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो है वो प्लस में दिखना चाहिए तकरीबन, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट प्लस में दिखना चाहिए और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में दिखना चाहिए एट द मनी। जैसे ये 830 है तो 830, 820 यहां पे आप देख रहे हो, ये एट द मनी वाली कॉल्स है तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाकई में जो कॉल राइटर हैं वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, इसीलिए वो अपनी जो पोजीशन है जो उन्होंने शॉर्ट की हुई है वो यहां से पोजीशन क्लोज करके अपसाइड जा रहे हैं, और अपसाइड कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं यहां पे 840 पे। तो अभी इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो कौन सा होगा, 713 वाला, जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो होगा इसका अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो इस स्टॉक की अगला जो पड़ाव होगा वो कौन सा होगा, 840 का। अगर ये स्टॉक 840 पे पहुंच जाता है और आपको दिखता है कि यहां पे और ओपन इंटरेस्ट माइनस होना शुरू हो गया और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। लेकिन याद रखिएगा, अभी लास्ट वीक है तो ये जो डेटा होता है इतना काम नहीं करता है, इसकी जगह पे आप लोगों को जो डेटा देखना होता है वो नेक्स्ट मंथ का आप देख सकते हो, अगर आप लास्ट वीक में देख रहे हो। तो आपको यहां पे ये चीज दिखेगी कि 820, 830, 840 पे ओपन इंटरेस्ट मतलब जो है यहां पे बन रहा है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इस लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं 800 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, हो सकता है ये एक फेक रैली हो। तो तकरीबन अभी क्या होता है कि अभी पोजीशन जो है वो बनना शुरू नहीं हुई है इसके अंदर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो बस जो चीज आपको बता रहा हूं अभी के लिए फिलहाल वो ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी का डेटा अभी काम नहीं आएगा, फर्स्ट वीक में ये डेटा जो है आपको सही तरीके से बताएगा कि वाकई में पोजीशंस बन रही हैं या फिर नहीं
बन रही है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ आ गई कि स्टॉक कंटिन्यू ट्रेंड में रहेगा, तो उसके लिए क्या है कि ऑप्शन चेन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पे पुट साइड में प्लस होना चाहिए, यहां पे नेगेटिव होना शुरू हो जाना चाहिए, और जो फ्यूचर का लॉट होता है वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट प्लस में जाना चाहिए, ठीक है। तो यह है पहली कंडीशन। उसी तरह अगर एक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, कॉल साइड पे पोजीशन ओपन इंटरेस्ट प्लस में जाना चाहिए और पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा जो भी सबसे ज्यादा, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये जो है जिस लेवल पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वो हमारा सपोर्ट का काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो हमारा एक सपोर्ट का काम करता है। तो मैं फिर से बता दूं, अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है तो यहां पे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो प्लस में होते जाना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर कॉल को शॉर्ट करेंगे, ठीक है, उनको शॉर्ट करेंगे तभी तो वो नीचे जाएगा ना, ठीक है ना। और पुट साइड पे क्या होगा, वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे होंगे क्योंकि उनको डर लग रहा होगा कि ये नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और किस दिशा में वो जा रहा है, क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज का कैसे पता लगाते हैं, ये चीज आपको समझ होप आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन के जो भी मतलब रिवर्सल जो होता है वो कैसे पता लगाएं। तो दोस्तों उस चीज के लिए क्या होता है कि समझ लीजिए, अगर एक स्टॉक अपसाइड जा रहा है, क्या हो रहा है, एक स्टॉक अप जाता जा रहा है, आप लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, अप जाता जा रहा है, बट यहां पर आपको एक चीज देखने को ये मिल रही है कि जो कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट है वो भी नेगेटिव होता जा रहा है, और पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन वो जो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का नेगेटिव हो रहा है या फिर कॉल साइड का हो रहा है, याद रखिएगा जैसे 830 से स्टॉक जो है वो हो गया 840 का, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक स्टॉक 820 से हो गया 840 रुपीस का, क्या हो गया, 820 से हो गया 840 रुपीस का। अब आपने देखा कि जो 820 की पुट थी यहां पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में होता जा रहा है, और जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो भी नेगेटिव होता जा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, आपने देखा जो 830 की पुट है उस पे भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है पुट साइड पे, 840 की जो पुट है उस पे भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये एक फेक रैली है, फेक तरीके से मतलब ऊपर तरफ ले जाया जा रहा है, कभी भी रिवर्सल जो है वो डाउन साइड का आ सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा रीजन क्या है कि भाई नीचे आएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन एक इंडिकेटर है, ठीक है, तो यहां पे ये डाइवर्जन बता रहा है। डाइवर्जन क्या बता रहा है, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भैया ठीक है, हम मान लेते हैं कि कॉल साइड पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल ओके है, लेकिन पुट साइड पे यानी कि जो ऑप्शन राइटर है वो भी अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पुट राइटर को नहीं लगता ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, उनको लगता है कि ये स्टॉक नीचे वापिस आ सकता है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं बना रहे हैं, वो इसको सेल नहीं कर रहे हैं पुट साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक जो है वो रिवर्सल डाउन साइड का दे सकता है, ठीक है। उसी तरह सेम अगर स्टॉक नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड पे नेगेटिव हो रहा है, एट द मनी कॉल्स पे आप देख रहे हो, इन द मनी कॉल्स पे आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है रिवर्सल अपसाइड का दे सकता है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और डिस्कस कर देता हूं, उस चीज को भी समझ लीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक स्टॉक में अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन की मदद से फाइंड करने हैं, क्या ऑप्शन चेन के एनालिसिस से फाइंड करने हैं, तो वो फाइंड आप कर सकते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं 427, अब ये तो बहुत दूर की पुट हो गई और अभी एक्सपायरी भी है तो इसको तो हम मानेंगे नहीं, लेकिन इसके अगर आप ऊपर आ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे ये दिख रहा है कि 800 की पुट के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो यानी कि सिप्ला के लिए 800 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है सिप्ला के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो
है वो फाइंड कर सकते हो ऑप्शन चेन की। उसी तरह स्टॉक में भी आप देख लो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, तो अभी ये बता रहा है 840 पे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 840 का जो लेवल होगा वो वाकई में सिप्ला के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगले दिन मंडे के लिए, ठीक है। तो उसके अगले दिन अगर वो चेंज होके यहां से ऊपर की तरफ चले जाते हैं 7 लाख के बजाय यहां 8 लाख हो जाता है, यहां 5 लाख हो जाता है, इसका मतलब ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। पुट कॉल राइटर अपनी पोजीशन यहां से क्लोज करके ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में आता है, स्टॉक ऊपर जाता है कॉल साइड पे, तो इसका मतलब स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस एंड जो लेवल होते हैं वो फाइंड कर सकते हो। एक चीज और आपको बता दूं कि यहां पे बिग प्लेयर्स कहां पे एक्टिव हैं, उस चीज को कैसे पता लगाया जाता है। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव दिख रहा है, यहां दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये अगर पोजीशन बड़े प्लेयर के द्वारा एग्जिट की जा रही है तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद रहती है। देखो अब यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है वॉल्यूम 1400 की, ओपन इंटरेस्ट कितना नेगेटिव हुआ है 32500 का। इसका मतलब क्या है कि यहां पे छोटे प्लेयर एक्टिव हैं, क्या है छोटे प्लेयर एक्टिव हैं। वहीं दूसरी तरफ आप यहां पे देखो ओपन इंटरेस्ट 35000 का माइनस हुआ है, ठीक है 35000 का, लेकिन यहां पे वॉल्यूम कितनी है कम है। इसका मतलब यहां पर बिग प्लेयर एक्टिव हैं, यहां पर इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज जो है वो की है। तो ये चीज भी आप पता लगा सकते हो वॉल्यूम से। आप ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करें वॉल्यूम के साथ, तो जो भी अगर वो नंबर बड़ा आ रहा है इसका मतलब बिग प्लेयर एक्टिव है, अगर वो नंबर छोटा आ रहा है इसका मतलब छोटे प्लेयर्स यहां पर एक्टिव जो है वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप लेके चलिए एक नंबर है 10, ठीक है। अगर दोस्तों इसको आप डिवाइड करते हो 5 बंदों में तो नंबर आएगा आपका 2, ठीक है। लेकिन अगर इसी 10 को आप डिवाइड करते हो 1 से तो नंबर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 तो नंबर आएगा आपका 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका हिस्सेदार कौन है, इसका हिस्सेदार अकेला बंदा है। लेकिन जो मैंने आपको 10 डिवाइडेड करके बताया, यहां पे रुकिए एक मिनट, इसको मैंने डिवाइड किया अगर मैंने 5 के साथ तो नंबर आया 2, मतलब इसके हिस्सेदार कितने हैं 2, ठीक है। मतलब 2 बंदों को तकरीबन 5 बंदों को आपने बांटा, सिंपल सी बात है मैं बता रहा हूं। तो आपको हिस्सेदारी यहां पे देखनी होगी कि कितने लोगों को ये चीज जा रही है, तो इसीलिए ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जो है आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपको इसमें से कुछ और समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो पेज है FNO का 138 स्टॉक्स का मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप लोग इस पेज का बेनिफिट उठा सकते हो। वो कैसे उठा सकते हो, जब भी आप इस पेज पे आओगे ये आपको डेली अपडेट दिखेगा। दोस्तों जैसे अभी लास्ट जो डे था वो था 24 को हमारी क्लोजिंग हुई है, तो 24 के बेसिस पे कहां पे मोस्ट एक्टिव कॉल है, मोस्ट एक्टिव पुट है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले जो शेयर्स होते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे थे, पुट राइटर बैठे थे, अभी आपको पता चल गया वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कैसे करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप उस चीज का अगर पता लगाना चाहते हो, अब देखो यहां पे आके आप अकेले अकेले शेयर का तो पता नहीं करोगे ना कि कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है, कहां प्लस हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि भैया बताओ यार आज कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन है, समझ लो कल के दिन अगर सिप्ला जो है वो 850 पे क्लोज हो जाता है तो इसका जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर ऊपर की साइड जाएगा। तो अगर आपको ये चीज पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ट्रेंड है और भी ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए आप इस पेज पे आओ, आपको डेली बेसिस पे यहां पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो ये तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो टाइटन शेयर जो है वो 1500 पे क्लोज कर रहा है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है वो कौन सी है 1500 की। तो मतलब टाइटन जो है वो आपको एक अच्छी रैली यहां पे दे सकता है अगर वो चल जाए कल के दिन मंडे के दिन, या फिर आप इसको नजर में रख सकते हैं मंडे ट्यूजडे के दिन, ये आपको अच्छा जो मूव है वो दे सकता है। तो यहां पे देखिए 1500 के ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और ऊपर की तरफ 1520 पे है, तो मतलब अगले दिन अब ये कहां तक जा सकता है 1520 तक जा सकता है अगर मॉर्निंग में भी और ओपन इंटरेस्ट यहां पे टाइटन के अंदर नेगेटिव आपको दिखा। तो इस तरह से आप इस पेज का बेनिफिट उठा सकते हो, बस आपको ये ढूंढना होगा कि कौन सा स्टॉक जो है अपनी स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल पास है। जैसे आप यहां पर यह देख पा रहे हो कि टोरेंट फार्मा जो है वो 2790 पे क्लोज हुआ है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी है ये,
तो या तो आप इसको सेल कर दो 2800 के पास, या इसको नोटिस करके रखो कि अगर ये 2800 के ऊपर निकलता है और थोड़ी देर ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो यहां पे पोजीशन क्लोज होना शुरू हो जाएगी और ये स्टॉक काफी तेजी के साथ ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो इसका बेनिफिट अगर उठा लेते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, जल्दी से इस पेज पे भी आप आ सकते हो, डेली बेसिस पे देखा करो और इसका बेनिफिट उठाओ। और अगर आपको सीखना है बेसिक तो आप ये दो वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें मैंने सिखाया हुआ है। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए।